Hello students, my name is Kushal Tripathi and I am TGT Mathematics. In this video, we are going to discuss fourth part of question number 1 from exercise 3.3 of 10th class NCERT. So let's start this question. Solve the following pair of linear equation by substitution method. Alright, and the equation is 0.2x plus 0.3y equal to 1.3, and the second equation is 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. All right. तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, और जो जर्नली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस वाले क्वेश्चन को फेस करने में, वो ये होती है कि यहाँ पे डेसिमल्स को देख के वो बच्चे डर जाते हैं. यही बस इसका डर है. अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ से डेसिमल्स को हटा लें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रफ पार्ट भी रखा है ताकि हम यहाँ पर अपना रफ कैलकुलेशन कर सकें. तो आप भी अपनी नोटबुक में रफ पार्ट जरूर बनाएं ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो सामने ही करें, पीछे पेज पे जाके टाइम वेस्ट ना करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी गिवन इक्वेशंस लिखेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या गिवन है. देखिए, गिवन इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3. सेकेंड इक्वेशन इज 0.4 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. ऑलराइट, अब जरा ध्यान से देखें. अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, हम उनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए, दिस इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3. ऑलराइट, और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास वो भी कुछ इस तरीके से ही है, तो वो भी हम एज इट इज ही लिखेंगे. 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. ओके, देखिए इसको आप मार्क कर दीजिए, इट इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2. ऑलराइट, अब देखिए हमें करना क्या है. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखें, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ करेंगे, पहले मैं आपको यहां पे रफली भी समझाऊं. देखिए, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है 0.7, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/10. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप डेसिमल हटा देते हैं, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए. ऐसे अगर 0.3 लिखा होगा तो आप इसको लिख सकते हैं 3/10. ऑलराइट, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करें तो इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/10 एक्स प्लस 3/10 वाई इक्वल टू 13/10. ओके, अब अगर आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड में 10 कॉमन ले लें, 1/10 को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? इट इज 2x प्लस 3y एंड दिस इज क्लोज एंड दिस इज 13/10. ऑलराइट, अब ये जो 10 है अगर आप इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आएगा. तो आप इसे ऐसे लिखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 इंटू 10. सो जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वो कुछ इस तरह से दिखेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. ऑलराइट, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अगेन आई एम राइटिंग इट इन दिस फॉर्म. नाउ यू कैन सी दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, दैट इज ax प्लस by इक्वल टू c. सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन आपको ये दी हुई है, आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं. आप डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 3y, 4x प्लस 5y, नॉट 3y, इक्वल टू 23. एंड इट इज अ सेकेंड इक्वेशन. ओके, दिस वन. तो आप एक बार देख सकते हैं अपनी गिवन इक्वेशन को भी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23. ऑलराइट, चलिए अब आगे देखिए. जैसे आप इसमें आगे जाएंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप क्या करें, आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए. तो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13,
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स को बिल्कुल अकेला छोड़ना होगा, जो भी इसके साथ टर्म्स या नंबर्स हैं उसको राइट हैंड साइड पे भेजना है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, बिकॉज प्लस 3y और जब ये राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट हुआ तो साइन चेंज, एंड एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड में 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, फॉर बिफोर दैट इसको भी आप मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसका भी लास्ट में यूज होगा, अभी देखते हैं। तो आप लिख दीजिए सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, राइट। जैसे आप वैल्यू में पुट करेंगे, देखिए 4 एक्स के प्लेस पे आप ये वैल्यू रख दीजिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ये चीज। अब क्या करना है आपने, अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए दिस इज 4 एंड दिस इज 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कई बार स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या बचा, ये बचा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 13 दैट इज 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। माइनस 6y और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, इसको आप ऑपरेट करेंगे इट इज माइनस y, इट इज 23 माइनस 26। सो y इज इक्वल माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 बिकॉज माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ओके। अब आप क्या करें, मैंने आपको ये थर्ड इक्वेशन बनवाई थी, ये देखिए इसको मार्क करवाया था कि दिस इज थर्ड, हालांकि आप इसको सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, जो y की वैल्यू आपकी आई, लेकिन अगर आप यहां रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ओके। तो आप क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, ओके। तो चलिए देखिए, आप लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, इट इज 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये थी। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज 3, सो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, सो 13 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 13 माइनस 9 एंड अपॉन, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कैंसिल कीजिए दिस इज 2, ऑलराइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 3. All right, thank you.